दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंजल वन के गिफ्ट वाउचर कार्ड को रिडीम कैसे करें। वाउचर को रिडीम करने के बाद दोस्तों आप उस गिफ्ट वाउचर कार्ड से अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से उस गिफ्ट वाउचर कार्ड को रिडीम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एंजल वन के गिफ्ट वाउचर कार्ड को रिडीम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन करना है। एंजल वन ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको रेफरल रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रेफरल रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति आपके रेफरल लिंक से एंजल वन पर अकाउंट बनाता है तो एंजल वन की तरफ से हमें वहाँ पे गिफ्ट वाउचर कार्ड दिया जाता है। तो इस महीने में मुझे 10 जो गिफ्ट वाउचर मिलते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इन सभी का जो अमाउंट है वो 300 रुपये है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो विनायक सोमनाथ हैं इनका मैं जो वाउचर है इसको रिडीम करने वाला हूँ। तो रिडीम करने के लिए आपको इसके सामने एरो दिखाई दे रहा है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको व्यू रिवॉर्ड पे क्लिक करना है। जब भी आपको ये गिफ्ट वाउचर कार्ड मिलता है तो उसको रिडीम करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पे एक रिडीम कोड भेजा जाता है। तो सबसे पहले आपको उस रिडीम कोड को कॉपी करना है, तभी आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका रिडीम कोड क्या था तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीसेंट वाउचर, आपको रीसेंट वाउचर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके पास एक मेल जाएगा उस, हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मेल आ गया एंजल वन की तरफ से, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे यहां पर लिखा है हेलो हरिपाल सिंह और नीचे अमाउंट में देखेंगे तो ये 300 रुपये का वाउचर था। और इसको रिडीम करने के लिए आपको यहां पर जो वाउचर कोड दिखाई दे रहा है इस वाउचर कोड को आपको कॉपी करना है। तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और आप यहाँ से इस वाउचर कार्ड को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से अपने एंजल वन ऐप में जाना है, तो मैं यहाँ एंजल वन में आ गया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है रिडीम नाउ, आपको रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिजिटल कार्ड पे क्लिक करना है। डिजिटल कार्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, आप इनमें से कहीं भी अपने गिफ्ट वाउचर कार्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ अमेजोन के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है अमेजोन शॉपिंग वाउचर, दूसरा है अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड। अगर दोस्तों आपका अमेजोन पर अमेजोन पे अकाउंट बनाए तो आप यहाँ अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब अमेजोन पे में इस वाउचर को रिडीम करेंगे तो आप उस पैसे से अपने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का बिल भर सकते हैं। अगर आपका अमेजोन पर अमेजोन पे का अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ अमेजोन शॉपिंग वाउचर पर क्लिक करेंगे। तो मेरा तो अमेजोन पे पर अकाउंट बना है तो मैं यहाँ अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है, तो हमारा वाउचर था 300 रुपये का और यहाँ पर एक ही रहने देंगे। इसके बाद आपको चेकआउट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना नाम डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने का दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटर वाउचर कोड, यानी दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी से वाउचर कोड कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे 300 रुपये का वाउचर था। तो उसके बाद आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक करना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल हो गया है। अब दोस्तों क्या होगा कि आपकी मोबाइल नंबर पर आपके ईमेल आईडी पर एक वाउचर कोड दिया जाएगा। तो अब आपको यहां से बैक टू होम पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा देर इंतजार करना है, आपकी ईमेल पर एक वाउचर कोड आएगा। दोस्तों हमारे नंबर पर मैसेज में वाउचर कोड आ गया है, तो मैं यहां मैसेज पे क्लिक करके यहां से अपने वाउचर कोड को कॉपी करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे वाउचर कोड आ गया है और हमारा जो अमाउंट है वो 300 रुपये का था। दोस्तों ये हमारा गिफ्ट कार्ड कोड है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी करना है। तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो आप इसे तो कॉपी नहीं कर सकते, ये पूरा ही मैसेज कॉपी होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पूरे मैसेज को कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में नोट पैड या किसी के व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो मैं यहाँ व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किसी भी नंबर को ओपन करके यहाँ से इस मैसेज को पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ से केवल अपने वाउचर कोड को कॉपी करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट वाउचर कोड हमारा ये वाला गिफ्ट वाउचर कोड है, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर इसे या तो नोट पैड में पेस्ट करके वहाँ से कॉपी कर लेना या व्हाट्सएप से कॉपी कर लेना। तो मैंने अपना गिफ्ट कोड कॉपी कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप अमेजोन को ओपन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमेजोन पे का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अमेजोन पे का जो बैलेंस है वो 891 रुपये है। तो मैं एक बार इसी पर क्लिक करूँगा।
इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड ए गिफ्ट कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो बैलेंस था वो यहाँ भी दिखाई देगा, जैसे 891 रुपये है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है गिफ्ट कार्ड कोड। तो जो आपने अभी वो कोड कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वाउचर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल रिडीम हो गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वापस जाकर देखता हूँ जो हमारा 891 रुपये बैलेंस था वो अब कितना हो गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, तो मैं एक बार और वापस जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ होम पे क्लिक करके और मैं दोबारा से आपको यहाँ पर दिखा दूँ अमेजन पे में मेरा इस समय 1191 रुपये बैलेंस हो गया, यानी अब मेरे यहाँ पर 300 रुपये बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अपने गिफ्ट वाउचर कार्ड को रिडीम कर सकते हैं और आप यहाँ से इससे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं और या फिर आप इसे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना।